नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंदौर में 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा का खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस। फरवरी मार्च में आयोजित हुई 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम 1 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। हाल ही में इस परीक्षा परिणाम को लेकर प्रीतमलाल दुआ सभागृह में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 20 से अधिक स्कूल ऐसे निकले जिनका परीक्षा परिणाम 40% से कम आया है। ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल में नौनिहालों के कंधे पर बस्ते का बोझ, दूसरी कक्षा का बच्चा ढो रहा 7 किलो का बस्ता। स्कूल शिक्षा विभाग ने भले ही बैग पॉलिसी बना दी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी भी बेपरवाह ही हैं। वे अब तक स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का पालन नहीं करा पाए हैं। हर साल की तरह इस साल भी आदेश जारी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। नतीजा, छोटे छोटे बच्चे भारी बस्ते का वजन ढोने को मजबूर हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे करीब 7 से 8 किलो का वजन ढो रहे हैं, जबकि नियमानुसार यह वजन 2 से 2.5 किलो का होना चाहिए। बता दें कि बस्ते के वजन को कम करने के लिए करीब 2 साल पहले सितंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन पालन अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि 2-3 स्कूलों ने जरूर प्राइमरी कक्षाओं में इस पॉलिसी को लागू किया है। ग्वालियर में नई कलेक्टर गाइडलाइन के बाद उठा रियल एस्टेट, दूसरे सप्ताह में बढ़ गया आंकड़ा। नई कलेक्टर गाइडलाइन में अलग अलग लोकेशनों पर जमीनों के रेट बढ़ने का असर रियल एस्टेट कारोबार पर खास नहीं है। यही कारण है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने के बाद 1-2 दिन तो कम रजिस्ट्री हुई, लेकिन इसके बाद प्रतिदिन आंकड़ा 200 पार कर गया है। त्योहारी सीजन में लोग अपने घर के सपने को साकार करने के लिए इन दिनों खूब रजिस्ट्री करा रहे हैं। इस बार नवरात्र में अवकाश पड़ जाने के कारण रजिस्ट्री का आंकड़ा इन दिनों थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद काफी रिस्पांस रहेगा। सोमवार को भी रजिस्ट्रार कार्यालय में काफी भीड़ रही और 200 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई। पूरे अप्रैल माह में रियल स्टेट कारोबार अच्छा उछाल मार सकता है। इंदौर में गर्मी शुरू होते ही इंदौर में गहराने लगा जल संकट। 300 से अधिक हुई टैंकर की संख्या। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा है। पानी के लिए भटकते लोगों की तस्वीर आम होने लगी है। नगर निगम का यह दावा कि शहर में पर्याप्त जल वितरण किया जा रहा है, झूठा नजर आने लगा है। नगर निगम टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई का दावा भी कर रहा है। यह व्यवस्था कितनी कारगर है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल नगर निगम द्वारा संचालित टैंकरों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। इनमें से सिर्फ 87 टैंकर ही नगर निगम के हैं, शेष टैंकर नगर निगम किराए पर लेता है। इसके एवज में एक मोटी रकम हर वर्ष खर्च की जा रही है। श्वान प्रेमी है तो पंजीयन कराइए, अगर किसी को काटा तो आप होंगे जिम्मेदार। ग्वालियर में आवारा श्वान के टीकाकरण और बधियाकरण में बाधा बनने वाले श्वान प्रेमी का अब नगर निगम पंजीयन करेगा। पंजीयन शुल्क के तौर पर उनसे ₹150 भी वसूले जाएंगे। इसके बाद आवारा श्वान यदि किसी पर हमला करता है तो उसकी जिम्मेदारी पंजीकृत व्यक्ति की होगी। इसके खिलाफ नगर निगम या संबंधित पीड़ित व्यक्ति पुलिस में शिकायत तक दर्ज करा सकेगा। यह निर्णय हाल ही में नगर निगम के अफसरों ने लिया है। इसके साथ ही नगर निगम अब ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित करेगा जहां पर सबसे अधिक लोग श्वान के शिकार बने हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से पिछले 1 साल का डेटा भी मांगा गया है। निगम अफसरों का यह निर्णय करने के पीछे उद्देश्य है कि 2030 तक ग्वालियर को रेबीज मुक्त किया जा सके। पैसा तो मिल गया, लेकिन नगर निगम ने अब तक शुरू नहीं किया सड़क सुधार कार्य। इंदौर शहर की बदहाल सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण के लिए राज्य शासन ने इंदौर नगर निगम को पैसा तो आवंटित कर दिया, लेकिन सड़कों के सुधार और नव निर्माण का काम कब शुरू होगा यह किसी को पता नहीं। ऐसे में नागरिक बदहाल सड़कों से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। इधर नगर निगम के अधिकारियों की माने तो आचार संहिता के चलते प्रक्रिया अटकी हुई है। इसके 4 जून के बाद ही शुरू होने के आसार हैं। नशे में धुत रेल अधिकारी की लापरवाही से टकराई थी आस्था स्पेशल ट्रेन से ट्राली। जबलपुर से इटारसी होकर अयोध्या जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन से ट्राली टकराने के मामले की जांच में जबलपुर मंडल के रेल इंजीनियर को दोषी पाया है।
मंडल के रेल इंजीनियरिंग विभाग के मेमो पर रेल अधिकारी के खिलाफ जबलपुर आरपीएफ में मामला दर्ज कर लिया है। इधर घटना के दौरान दो रेल इंजीनियर और एक ट्रॉलीमैन की भी लापरवाही सामने आई थी, लेकिन अभी तक तीनों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर रेलवे ने लगाया 21.70 करोड़ रुपए जुर्माना, लक्ष्य से 4.21% अधिक वसूली राशि। रतलाम मंडल ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसे बड़ी संख्या में यात्रियों पर जुर्माना लगाया है जो बिना रेल टिकट लिए रेल यात्रा कर रहे थे। इनमें बिना प्लेटफॉर्म टिकट, बिना टिकट रेल यात्रा, जनरल टिकट पर स्लीपर व एसी कोच में सफर करने वाले यात्री शामिल है। इस दौरान रेलवे जुर्माना लगाकर 21.70 करोड़ रुपए की वसूली की है। मंडल को टिकट चेकिंग अभियान में इस बार सबसे ज्यादा राजस्व मिला है। रतलाम मंडल द्वारा सभी वैध यात्रियों को आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मेल एक्सप्रेस के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। लेकिन इन ट्रेनों ऐसे कई यात्री भी सफर करते हैं जो टिकट नहीं खरीदते हैं, जिसको लेकर रेलवे हर साल भर टिकट चेकिंग अभियान चलाता है। चुनावी खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त, नामांकन से पहले प्रत्याशी को खुलवाना होगा बैंक खाता। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कई नियम बनाए हैं। इसी कड़ी में अब प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व अब अलग से अपना बैंक खाता खुलवाना होगा। दरअसल प्रत्याशियों को चुनाव का लेखा जोखा रखने के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और नामांकन जमा करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। चुनाव आयोग के अनुसार चुनावी खर्च का सही सी लेखा रखने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी को यह बैंक खाता नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी। सीएम बोले, कमलनाथ आईफा अवार्ड का आनंद लेते हैं व हमारे कन्या पूजन पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेसी ग्वालियर में नवरात्र की पूर्व संध्या पर नारी शक्ति वंदना के निमित्त आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लिए नारी शक्ति भोग विलासिता है, जबकि हमारे लिए हर रूप में वंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आईफा अवार्ड का आनंद लेते हैं और हमारे कन्या पूजन पर कांग्रेसी सवाल उठाते हैं। कार्यक्रम में एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने कहा, जिस प्रकार का माहौल है उसमें पूरा देश मोदीमय हो चुका है, पूरा मध्य प्रदेश भी मोदीमय है। ग्वालियर, मुरैना और भिंड स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भाजपा का गढ़ रहा है, इस बार भी हमें यहां अजय बढ़त हासिल होगी। ग्वालियर के मितेंद्र सिंह बने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष। विक्रांत भूरिया के इस्तीफे की पेशकश के बाद पार्टी का फैसला। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 7 प्रत्याशी मैदान में, एक ने लिया नामांकन वापस। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया की गई। इसमें 4 अप्रैल तक नामांकन जमा होने के बाद 8 अप्रैल तक नामांकन वापसी करने की आखिरी तारीख थी। इसमें संवीक्षा के बाद 8 नामांकनों में से सोमवार को एक नामांकन वापस हो गया। इसके बाद अब 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बने हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन होंगे जमा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए समय सारणी जारी कर दी है। समय सारणी के अनुसार पालक पहली कक्षा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से 1-15 अप्रैल तक कर सकेंगे। 19 अप्रैल को सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित और प्रतीक्षित सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित सेवा श्रेणी, वरीयता क्रम श्रेणी व अन्य आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीट पर प्रवेश 8-15 मई तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सूची का प्रदर्शन 22 से 27 मई के बीच किया जाएगा। इसी तरह दूसरी कक्षा की रिक्त सीटों के लिए 1 से 10 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी और 15 अप्रैल को सूची जारी होगी। 11वीं को छोड़ अन्य कक्षाओं के लिए प्रवेश 16 से 29 अप्रैल के बीच होगा। वहीं कक्षा 10वीं के परिणाम आने के बाद केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी 10 दिनों के अंदर 11वीं में प्रवेश लेंगे। इसके बाद 11वीं में रिक्त सीटें रहने पर अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। ग्वालियर में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की मान्यता में मुनाफाखोरी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की आड़ में स्कूल संचालकों ने शासन से मान्यता ले ली। मान्यता मिलने के बाद ही उन्होंने मुनाफाखोरी शुरू कर दी।
आलम यह है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के आधार पर मान्यता लेने वाले स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चे महज 2-3% ही पढ़ाई कर रहे हैं। अल्पसंख्यक की सीट पर सामान्य बच्चों को प्रवेश दिया गया है, लेकिन इस पर शासन और प्रशासनिक अफसरों का ध्यान तक नहीं है। बता दें कि अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम से छूट प्राप्त है, इसलिए उन्हें शिक्षा का अधिकार RTE के तहत बच्चों को प्रवेश भी नहीं देना होता है। इसके एवज में उन्हें अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और शिक्षा विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। बड़वानी मंडी में मोटी सौंफ की बम्पर आवक, नहीं मिले भाव, किसान हजारों बोरी वापस लेकर गए। सौंफ के लिए प्रसिद्ध शहर स्थित मंडी में इस बार जिले सहित मालवा निमाड़ के जिलों से बड़ी संख्या में किसान उपज बेचने पहुंचे। व्यापारियों के अनुसार मंडी में पहली बार करीब 4000 बोरी सौंफ की आवक रही। हालांकि अधिकांश सौंफ की क्वालिटी मोटी और मावठे से प्रभावित होने से भाव नहीं मिले। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान हजारों बोरी उपज वापस लेकर गए।